गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बेंजामिन सर फ्रॉम केवी नंबर 2 ईटानगर। आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट होम। स्टूडेंट्स, टुडे विल रीड अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आई वांट। तो बच्चों, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपके मन में कभी ऐसी इच्छाएँ आती हैं, ऐसी सोच आती हैं कि काश मेरे पास ये होता, मैं इसके जैसे होता। जी हाँ, हम मनुष्य जाति जो है बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, तो कुछ इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं, कुछ नहीं। आइए आज हम इस चैप्टर में एक ऐसे ही बंदर के बारे में पढ़ेंगे जिनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो आइए पढ़ करके जानते हैं कि आखिर उनकी इच्छाएं क्या हैं। आई वॉन्ट टू बी बिग, सेज लिटिल मंकी। एक छोटी सी बंदर है, लिटिल मतलब छोटी, मंकी बंदर, सबको देखे हो। आई वॉन्ट टू बी बिग, ये क्या कहती है, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग, और मैं शक्तिशाली, स्ट्रांग, मजबूत भी बनना चाहता हूँ, ताकतवर भी बनना चाहता हूँ। अ वाइज वुमेन हियर्स हिम, एक वाइज का मतलब बुद्धिमान, एक बुद्धिमान औरत ये कहते हुए सुनती है उस बंदर को। तो वो क्या कहती है, वो, टेक दिस मैजिक वैंड, ये मैजिक वैंड रख लो। मैजिक का मतलब होता है जादू, और वैंड का मतलब होता है छड़ी। तो जादुई छड़ी वो दे देती है उस बंदर को। सी सेज एंड ऑल योर विशेज कैन कम ट्रू, और जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं हैं सब सच हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगे। सच, ट्रू का मतलब सच। अ जिराफ कम्स बाई, अब इतने में एक जिराफ उधर आती है। ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, वो जिराफ अपना लंबा सा गर्दन करके, स्ट्रेच करके, खींच करके, ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज, और पेड़ के सबसे ऊपरी भाग में जो स्वीट लीव्स थे, मीठी मीठी पत्तियाँ जो थी, उसको खाने लगता है ये जिराफ। अब ये सब देख कर के क्या होता है, आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, ये मंकी के मन में ये ख्याल आया कि मुझे भी जिराफ के जैसे एक लंबी सी गर्दन चाहिए। सेज लिटिल मंकी पॉप, और इतने में वो अपने जादुई छड़ी को हिलाता है। हिज नेक ग्रोज लॉन्ग, और उसकी गर्दन लंबी हो जाती है जिराफ के जैसा। लिटिल मंकी इज़ हैप्पी, लिटिल मंकी बहुत खुश हो जाता है। हैप्पी मतलब खुश। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर, इतने में एक एलिफेंट नदी की तरफ आती है, और नदी में जब वो उतरती है, ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर, और अपने सूंड को, ट्रंक का मतलब सूंड, तो उसमें पानी वो भरता है, और भरने के बाद अपने बॉडी में पूरा वो नहाने लगता है अपने सूंड से पानी फेंक करके। आई वॉन्ट टू डू दैट टू, सेज लिटिल मंकी, और इतने में लिटिल मंकी क्या कहती है, नहीं मुझे भी वो करना है, मेरा भी सूंड हो, और मैं भी उसी तरह अपने सूंड से जो है पानी भर करके अपने बॉडी में फेंको। तो इतने में बैंग, वो जादुई छड़ी फिर हिलाता है, बैंग, अचानक वो चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज अ ट्रंक, और जैसे ही वो जादुई छड़ी को हिलाया, वो एलिफेंट के जैसा उसके भी ट्रंक हो गए, सूंड हो गए, जैसे आप लोग पिक्चर्स में देख पा रहे हो, गर्दन लंबी हो गई, सूंड निकल आया। इज़ वेरी हैप्पी, दिस इज़ फन, ये कितना मज़ेदार है, ही सेज। नेक्स्ट लिटिल मंकी सेज अ जेब्रा, अब लिटिल मंकी को एक जेब्रा दिखाई देती है। आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज, वो कहते हैं मेरे बॉडी में, जेब्रा को आप लोगों ने देखा है बच्चों, जेब्रा के बॉडी में
काली काली पट्टियाँ होती हैं, है ना। तो ये मंकी भी कहता है, मुझे भी इस जेब्रा के जैसा स्ट्राइप्स चाहिए अपने बॉडी में, इससे विश। इतने में अपने बैंड को हिलाता है। लिटिल मंकी है स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, और लिटिल मंकी का पूरा बॉडी में काली काली पट्टियाँ धारियाँ आ जाती है जेब्रा के जैसा। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। He goes to the river to try out his new trunk. अब वो नदी में उतरता है कि देखूं अपने नए सूंड का कमाल। He looks down. जैसे ही उसने नदी को देखा, नदी में अपने चेहरे को देखा, he sees himself in the water. पानी में जैसे ही उसने अपने आप को देखा, मदर माँ, he cries, वो जोर से चिल्लाने लगा, help, बचाओ माँ, मुझे बचाओ। A monster. देखो एक राक्षस, एक दैत्य, एक बहुत ही विचित्र प्राणी है। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, सेज हिज मदर। इतने में उसकी माँ कहती है, बेटा ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये कोई राक्षस नहीं है, ये कोई विचित्र प्राणी नहीं है। दैट्स यू, वो तो तुम हो। यू वॉन्ट अ जिराफ स्नेक, तुम्हें जिराफ की गर्दन चाहिए। एन एलिफेंट्स ट्रंक, तुम्हें हाथी की सूंड चाहिए। एंड स्ट्राइप्स लाइक अ जेब्रा, और जेब्रा के जैसे तुम्हें बॉडी में काली काली पट्टियाँ चाहिए। डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, लिटिल मंकी चिल्लाने लगता है, आई लुक ऑफुल, ही सेज, मैं कितना विचित्र लगता हूँ, भयंकर लगता हूँ। ऑफुल मतलब भयंकर, मैं दिखने में कितना बदसूरत हो गया हूँ, भयंकर लग रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, माँ मैं दोबारा बंदर बनना चाहता। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, मैं जैसा था वैसा बनना चाहता हूँ। देयर इज़ अ पॉप, अ पैंग एंड अ विश, और वो जादुई छड़ी को हिलाता है, और इस तरह से लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, और लिटिल मंकी फिर से दोबारा वो मंकी बन जाता है। ही जंप्स फॉर जॉय, और वो खुशी से उछलता है। जॉय का मतलब खुशी, तो खुशी से वो उछलने लगता है। He throws the magic wand into the river, और उस magic wand को, जादुई छड़ी को वो नदी में फेंकता है। और he never wants to be anyone else again, और वो दूसरों के जैसे बनने की उसमें जो इच्छाएँ थी, जो ख्वाहिश थी, जो विश थी, वो ख़त्म हो गई है, और वो कभी नहीं चाहता है कि मैं दूसरों के जैसा बनूँ। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमें भी दूसरों को देख करके उनके जैसा बनना नहीं चाहिए। हम जैसे हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो आज का आपका ये होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को घर पे पढ़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you and have a nice day.